गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा जिले में 16 सोमवार शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 9 सितंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है। आज 6 सितंबर मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने संतान प्राप्ति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, व्यवसाय प्राप्ति के लिए, किस प्रकार से 16 सोमवार व्रत का उद्यापन किया जाता है, कौन से महीने से किस चीज़ के लिए उद्यापन करना चाहिए, उसकी जानकारी दी है। काफ़ी अच्छी जानकारी है, बिल्कुल नई जानकारी है। आज से पहले किसी भी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इस जानकारी को नहीं बताया है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि इनमें से कौन सा मंदिर छिंदवाड़ा में नहीं है, तो इसका सही उत्तर है बिरला मंदिर। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार, 16 सोमवार का अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उद्यापन कौन से सोमवार में किया जाता है, मतलब व्रत को पूर्ण कौन से सोमवार में किया जाता है, उद्यापन कौन से सोमवार में करना चाहिए, जो कि गुरुजी ने ही बताया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 16वें सोमवार को उद्यापन करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन आपका यह है 17वें सोमवार को। आप ए या बी या फिर 16 या 17, इस प्रकार से भी कमेंट के जरिए अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हम आपको इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छी गादी लगा लो, बहुत अच्छा तकिया लगा लो, बहुत अच्छा एसी चला लो, तो क्या आपको उसमें अच्छी नींद आ सकती है? नहीं। शिव महापुराण कहती है, जब आपको मन की शांति प्राप्त होती है, जब आपको मन में सुकून प्राप्त होता है, तभी आपको अच्छी नींद आती है। और वह मन की शांति आपको आपके कर्मों के अनुसार प्राप्त होती है। जो कर्म आप परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए अच्छे कार्य करते हैं, उसी से आपको मन की शांति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई तुम्हें कहे कि दिन भर मंदिर में बैठे रहो, भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई तुम्हें कहे गंगा नदी के घाट में जाकर बैठ जाओ, वहाँ भगवान मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई तुमसे बोल दे नर्मदा नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, वहाँ तुम्हें भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई तुम्हें यह बोल दे कि तप साधना में बैठ जाओ, वहाँ तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में जो दुखी है, परेशान है, और अगर तुम उसके पास जाकर बैठे हो और उसके चेहरे पर तुमने स्माइल ला दी है, उसके चेहरे पर तुमने प्रसन्नता ला दी है, तो तुम्हें घर बैठे ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। भानुमती श्रीवास्तव जी ने पत्र के माध्यम से गुरुजी से एक प्रश्न पूछा, अगर हम कोई व्रत रख रहे हैं, पशुपतिनाथ व्रत हो या 16 सोमवार का व्रत हो, या फिर हम मंदिर जाते हैं बार बार, या फिर हम मंदिर से आते हैं, तो हम दिन में कितनी बार हमें स्नान करना चाहिए? तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, 10 बार नहा लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति हमें काम, क्रोध, आसक्ति, तृष्णा, इनका त्याग करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कई कथाओं में कहा है, कपड़ा बदलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, आपको अपना कलेजा बदलना है, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शिक्षक दिवस की महत्वता बताते हुए गुरुजी ने कहा, जो भी शंकर भगवान के मंदिर में पहुँच जाता है, एक लोटा जल चढ़ा देता है, तो शिव भी उसे अपना शिष्य बना लेते हैं, और एक गुरु अपने शिष्य को कभी भी बिगड़ने नहीं देता है, गलत मार्ग में नहीं जाने देता है, और उसे हमेशा सतमार्ग ही बताता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, निंदा करने वाले भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ते। आज के समय में किसी भी भगवान की इतनी निंदा नहीं होती है जितनी निंदा भोलेनाथ की होती है, पर हम एक बात बताना चाहते हैं जो कि सत्य है, आज के समय में इतनी अधिक मात्रा में शिव मंदिर हैं, भोलेनाथ के मंदिर हैं, उतने किसी भी देवता देवियों के नहीं हैं। और आप एक बात समझ लो, अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, इसका मतलब यह है आप ऊपर की ओर, उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, तभी लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। शैल कुमारी साहू जी छिंदवाड़ा से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 13 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी, कई डॉक्टर को दिखाया पर संतान का सुख नहीं हुआ। हम दोनों की जाँच हुई और डॉक्टर ने कहा संतान नहीं हो सकती। इसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब भी करवाया, वह भी फेल हो गया। तब हम यह सोचकर संतान का सुख, संतान का विचार, यह सब करना छोड़ दिया कि अब हमें संतान नहीं हो सकती, क्योंकि हमने 2 से 3 बार भी टेस्ट ट्यूब करवा लिया था पर कोई लाभ नहीं हुआ था। एक बार मेरे छोटे से मोबाइल में किसी ने आपकी क्लिप भेज दी और वह हमने सुना।
इसके बाद हमारा शिव महापुराण कथा सुनने का मन हुआ और हमने लगातार शिव महापुराण कथा सुनना शुरू कर दिया। कथा में आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन सुना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग सुना और आपके बताए अनुसार हमने वह किया। बाबा की कृपा ऐसी हुई, डेढ़ माह बाद गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 13 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया पशुपतिनाथ व्रत और 16 सोमवार व्रत में एक बहुत बड़ा अंतर है। पशुपतिनाथ व्रत में जब आपका 5वां सोमवार होता है तब उस दिन आप नारियल और दक्षिणा अर्पित करके व्रत को पूर्ण कर देते हैं, पर 16 सोमवार व्रत में 17वें सोमवार में उद्यापन करना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई बार ऐसे भी पत्र आते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमने 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना गए या फिर 3 महीना गए या फिर 6 महीना मंदिर गए, पर भगवान हमारी नहीं सुनते, इसलिए हमने मंदिर जाना बंद कर दिया है। इस पर गुरुजी ने कहा आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपको देखता है, परखता है, आजमाता है और अगर आप खरे उतरते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। एक महिला परासिया छिंदवाड़ा से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा बाबा पर चढ़ाए एक बेलपत्र और एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं? 2017 में मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी, डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन होगा और इसके बाद जांच होगी ऐसा कहा, पर डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं कह सकते, बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन वाली जगह के बाद वापस इस जगह पर गठान होती है तो समझ लेना कि बड़ा रोग है। इसके बाद 2020 में वापस गठान हो गई। इसके बाद हमने उसका फिर से ऑपरेशन कराया और डॉक्टर ने कहा बड़ा रोग है, यह निश्चितता है। इसके बाद 2021 में वापस गठान हो गई और अब हम समझ गए फिर ऑपरेशन होगा, फिर गठान होगी। शरीर बार बार ऑपरेशन के लायक भी नहीं था, इसलिए हमने डॉक्टर साहब से कह दिया कि आप दवाई दे दीजिए। इसके बाद हमारी पड़ोसन ने कहा इतना डॉक्टरों के पास जा रहे हो, अब शंकर भगवान के मंदिर भी जाना शुरू कर दो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी होती है उसे खाना शुरू कर दो। मेरा शरीर में इतना बल नहीं था कि मैं मंदिर जा सकूं, तो मैंने मेरे भाई से कहा वह मेरे लिए बेलपत्र ला कर दे देता और मैं वह खा लेती। 20 दिन बाद हम ऑपरेशन के लिए जाने लगे और डॉक्टर ने चेकअप करके बताया आपके शरीर में जो गांठें थी वह समाप्त हो चुकी हैं, आपका रोग भी ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता बाई बघेल जी सिवनी से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरी भांजी को कैंसर हो गया था, उसका इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, पर ऑपरेशन के बाद भी उसे आराम नहीं लगा। तब मैंने मेरी भांजी से कहा जितना समय मिलता है उतने समय भोलेनाथ की आराधना करो, भक्ति करो। हमने भी 3 जगह शिव महापुराण कथा कथा पंडाल में बैठ के सुनी। जब भी हम कथा पंडाल में जाते, जब कथा सुनने के बाद सब लोग चले जाते, वहाँ पर जितना भी कचरा पड़ा रहता उसे उठाकर हम साइड में रख देते। हमने बैतूल, भोपाल और इंदौर की कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरी भांजी का कैंसर ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। शिवलिंग पर जल चढ़ाने वालों से गुरुजी ने कहा कि हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आपको प्रतीक्षा जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जल चढ़ाने का कार्य शुरू किया और जल चढ़ाने के इस दौरान आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आपने जल चढ़ाना बंद कर दिया, शिव पर विश्वास करना छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। परीक्षा लेना उसका कार्य है, प्रतीक्षा करना आपका कार्य है। अगर आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं तो मंदिर के सामने से निकलते समय हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोल दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 16 सोमवार का व्रत कब रखना चाहिए, किस प्रकार से व्रत रखने से, किस माह में व्रत रखने से क्या लाभ प्राप्त होता है उसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा अगर आप संतान प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो 16 सोमवार व्रत की शुरुआत आपको सावन के पहले सोमवार से करना चाहिए। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से या फिर बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, जीवन में परेशानियाँ हैं, दुख है, तकलीफ है, कष्ट चल रहा है, तो इस प्रकार की समस्या होने पर अगर आप 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो यह व्रत आपको वैशाख माह के पहले सोमवार से उठाना चाहिए। और अगर आप उत्तम धन संपदा, उत्तम घर, उत्तम व्यवसाय, नौकरी, पद प्रतिष्ठा के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आपको मार्गशीर्ष माह के पहले सोमवार से व्रत को उठाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। 16 सोमवार व्रत कैसे किया जाता है इसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा आपको सोमवार का जो तीसरा प्रहर होता है, मतलब सोमवार के ही दिन शाम के समय प्रदोष काल में, उस समय आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करना है, प्रसाद तैयार करना है। और इसमें भी आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने होते हैं, एक हिस्सा भोलेनाथ के लिए होता है, दूसरा हिस्सा भोलेनाथ के भक्तों के लिए होता है, मतलब आपके घर के आसपास किसी को भी वह प्रसाद का हिस्सा दे सकते हैं, तीसरा हिस्सा आपके लिए होता है, पर अगर आप इस तीसरे हिस्से को पूरा नहीं पा सकते हैं तो आप अपने घर के सदस्यों को भी उसका हिस्सा दे सकते हैं।
और 17वें सोमवार को जब आपका व्रत का उद्यापन करते हैं तब आप 16 जोड़ों को बुलाकर अपने घर में भोजन और प्रसाद का वितरण करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से कहना चाहते हैं जो माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करते चली आ रही हैं, उनका जो प्रसाद होता है जो मंदिर में रखा होता है और भोलेनाथ का जो दो भाग वाला प्रसाद मंदिर में वे छोड़ के चली जाती हैं, ऐसी महिलाएं, ऐसे भाई लोग जो व्रत नहीं करते हैं वे उस प्रसाद को एक पात्र में इकट्ठा करके शिव भक्तों को, आसपास बच्चे जितने हैं उन सबको बांट देना चाहिए। इस प्रकार से शिव का प्रसाद वितरण करने वाले का और शिव का प्रसाद प्राप्त करने वाले को क्या प्राप्त होता है? 1000 अश्वमेघ यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वह शिव का प्रसाद वितरण करने वाले को और शिव का प्रसाद पाने वाले को प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव मंदिर में 3 चीज़ों का बहुत अधिक महत्व है। जो शिवालय में दिया लगाकर चला जाता है वह दिया ठंडा हो जाता है, वह दिए को उठाकर आपको साइड में रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जब विपदा की स्थिति आती है, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तो उस समय महादेव की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ के मंदिर में अगर पशुपतिनाथ व्रत का प्रसाद रखा है तो उसका आपको वितरण कर देना चाहिए, और अगर भोलेनाथ के मंदिर में कोई पानी का पात्र रखा रहता है जिससे एक एक लोटा जल लेकर शिव भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, अगर वह खाली है तो उसे आपको भर देना चाहिए, और उस पात्र से लेकर जितने लोग भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे उसका फल आपको भी प्राप्त होता चला जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई जीवन में 16 सोमवार का व्रत नहीं कर पाता है, 16 सोमवार का उद्यापन नहीं कर पाता है, पर अगर वह 16 सोमवार शिव महापुराण कथा का श्रवण कर लेता है तो उसे भी उद्यापन और व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। उमा कोहली जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा बचपन से ही कमज़ोर है, विकलांग है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, उसे सुनाई नहीं देता है, जन्म से ही वह ना चल पाता है ना सुन पाता है। मेरी पड़ोसन ने कहा कि एक बार पशुपतिनाथ व्रत करो और अपने बेटे के हाथ से जल स्पर्श कराकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करवाना शुरू करो। मैंने ऐसा ही किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और बेटे के हाथ से भी लोटे को स्पर्श कराते हुए वह जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। एक दिन मेरे बेटे ने लोटा नहीं छोड़ा तो मैंने उसी को घसीटते हुए शिवालय ले गई और उसके हाथ से जल चढ़वा दिया। आज मेरा बेटा चल सकता है। साथ ही मैंने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उसके कानों में भी लगा दी और मेरा बेटा आज सुनने भी लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं अंतिम और विशेष जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होने के बाद गुरुजी ने कहा, कल जन्माष्टमी का पर्व है, मतलब 7 सितंबर को कल कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व है। उसमें सभी को शुभकामनाएं देते हुए गुरुजी ने कहा कि वर्ष में एक बार हम कल्लू जी महाराज का जल अभिषेक का क्रम करते हैं, तो कल 7 सितंबर को शाम को 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के माध्यम से आप कल्लू जी महाराज, मतलब बाल गोपाल का, कृष्ण भगवान का जल अभिषेक गुरुजी के द्वारा ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसका प्रसारण रात के 8 से 9 बजे तक यूट्यूब में होगा गुरुजी के ऑफिशियल चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।